ये मोदी सरकार की शानदार हैट्रिक है। ये एनडीए सरकार की जबरदस्त वापसी है। इस जीत ने तय कर दिया कि भविष्य के लिए देश का विकास पथ कैसा होगा। इस जीत ने तय कर दिया कि देश का नेतृत्व कैसा होना चाहिए। और ये तस्वीरें इसी बात की गवाह हैं कि ये जीत इतनी अहम क्यों है। जब मेहनत रंग लाती है तो जश्न मनाना भी लाजमी हो जाता है। लगातार तीसरे लोकसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत के बाद पीएम मोदी जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो नजारा कुछ ऐसा दिखा। चुनाव में मिली जीत का जश्न मनाने पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी पर फूलों की बारिश कर दी। पीएम मोदी ने जनता जनार्दन का हाथ हिलाते हुए उनका शुक्रिया अदा किया, तो बदले में भीड़ ने जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल को जबरदस्त बना दिया। इस तस्वीर ने पिछले दो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की यादें ताजा कर दी। 2014 और 2019 के बाद भी जश्न की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। ये तस्वीरें 2019 की हैं, जब लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद पीएम मोदी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे। चुनावी राजनीति में जमकर मेहनत करने वाली बीजेपी जश्न मनाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। बीजेपी जानती है कि चुनावी मैदान में कड़ी मेहनत के बाद उसका नतीजा सामने आता है तो उसके शिल्पी का सम्मान कैसे किया जाता है। लगातार तीसरी जीत के बाद पीएम मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचे, उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष नड्डा भी थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं, देश के वोटरों और चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार एनडीए के बहुमत हासिल करने को भारत के इतिहास में अभूतपूर्व पल करार दिया। ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने दो कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। हालांकि बीजेपी समर्थकों के दिल में ये कसक जरूर होगी कि उनकी पार्टी 400 के जादुई आंकड़े से दूर रह गई। पिछले दो बार के मुकाबले बीजेपी को यूपी और बिहार में बड़ा नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल में भी वो अपना पिछला प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई, तो महाराष्ट्र में भी उसे बड़ा नुकसान हुआ है। बीजेपी के नीति निर्धारकों ने जनादेश को स्वीकार कर नए सिरे से काम करने का जज्बा दिखाया है। पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में तीसरे कार्यकाल में देशवासियों को विकसित भारत बनाने का संकल्प पूरा करने की गारंटी दी। कहा, नई सरकार राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करेगी। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। देश ने दिखा दिया है कि उसे मोदी सरकार और उसकी नीतियों पर पूरा भरोसा है। सियासी पंडितों का मानना है कि इस बार के जनादेश में एनडीए सरकार पर भरोसे के साथ नीतियों में बदलाव के सूक्ष्म संकेत भी छिपे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।